गैरथ, हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मालूम जैरथ, देखो जैरथ, मैं जो तुम्हें सवाल पूछूंगा उससे तुम पर जिस आदमी ने अटैक किया था उसे पकड़ने में और इस केस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। विल यू हेल्प अस? इसी तरह जो मैं तुम्हें सवाल पूछूं, अगर उसका जवाब हां में है तुम आंखों से इशारा करो। ऑलराइट? मेरा पहला सवाल है, खेरवाड़ी में जब तुम पर अटैक हुआ था वो अटैक किसने किया था? कोई दो औरतें थी जिसने बुरखा पहना हुआ था? ऑलराइट, आई विल आस्क यू अगेन, उस अटैक के साथ साइकिल का कोई संबंध है? वो आदमी कौन था? वाज ही नोन और अननोन? तुमने इशारा किस लिए किया? उस आदमी को तुम जानते थे? ऑलराइट, अनजान आदमी था। जब तुम्हें इस बात का पता है कि हॉस्पिटल में फिर से किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तुम्हें इस बात का पता है? लेट मी टेल यू, एक आदमी वहां आया था और हमारा मानना है कि वो आदमी वही आदमी है जिसने खेरवाड़ी में तुम पर गोलियां चलाई थी। आई वांट यू टू सी अ फ्यू फोटोग्राफ्स। मुझे कहो क्या ये वही आदमी है जिसने तुम पर गोलियां चलाई थी? पहचानने की कोशिश करो, क्या इसी ने तुम पर गोलियां चलाई थी? ये आदमी था? नॉट दिस मैन? व्हाट इज दिस मैन? हॉस्पिटल स्टाफ के कहने के मुताबिक उस रात विजिटिंग आवर्स के बाद एक आदमी वहां आया और उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है हमारे पुलिस आर्टिस्ट ने एक स्केच बनाया। आई वॉन्ट यू टू लुक एट इट। वो है ये फोटोग्राफ। काम आज तक कोई नहीं कर सका वो काम इस तस्वीर ने करके दिखाया। डीसीपी अश्विनी कुमार, यू आर राइट डॉक्टर,
जब ये तस्वीर मैंने जरत को दिखाई उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। आई थिंक उसका खून खौल रहा था। जानबूझकर वो तस्वीर मैंने उसे दूर रखी। ही ऑलमोस्ट ट्राइड टू ग्रैब इट। और आज पहली बार जय ने अपने आप व्हीलचेयर चलाने की कोशिश की। डॉक्टर, क्या ये वही है जो हॉस्पिटल में जय को मारने आया था? यस डॉक्टर, लेकिन हमारे पास इस आदमी का कोई नाम और पता नहीं। आई थिंक ही डज नॉट हैव अ पुलिस रिकॉर्ड। पर हॉस्पिटल में तो ये आदमी जय से मिला ही नहीं था, क्योंकि गलती से उसने दूसरे पेशेंट को मारा था। इट क्लियरली इंडिकेट्स डॉक्टर कि जय इस आदमी को पहले पहचानता होगा, कहीं ना कहीं जरूर इसे मिला होगा। अब इस आदमी का हमें मिलना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये आदमी जय के लिए वो काम करेगा जो एक दिया सलाई पेट्रोल पर करता है। लेट्स फाइंड हिम फर्स्ट। सिंघानिया को पुलिस के हाथों छुड़ाना, पुलिस के ऊपर पेट्रोल छिड़क के दिया सलाई जलाने से बात हुई। ये काम सिर्फ LBS कर सकता है, इसीलिए तो हाई कमांड ने मुझे वहां बुलाया था। मगर इतने दिन सिंघानिया सलाखों के पीछे था। हाई कमांड उसे छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। कानून तो उनकी मुट्ठी में है। कानून तो उनके घर की बात है। वो हमारे जरिए गैर कानूनी काम करवाना चाहते थे ताकि कोई सबूत न बचे। अब हम क्या करें? डिवाइड एंड रूल। हमारे प्लान ऑफ एक्शन क्या है? पहले हम जाएंगे और तुम रिजर्व में रहना। अगर हम नाकामयाब हुए तो तुम बाहर निकल आना, समझ गए? मगर आपका साथ कौन देगा? अमित पंडित और सुखीराम, दे हैव बीन ऑर्डर्ड बाय हाई कमांड। इनसाइड डिटेल कौन देगा? सिंघानिया को कब और कैसे ले जा रहे हैं? मिनट टू मिनट हमें डिटेल चाहिए। वो खुद हमें इत्तला करेंगे। तिहार जेल किस रास्ते से उसे ले जाएंगे वो मुझे पता है। Now we can plan it out. All right. सबसे पहले हम पुलिस वैन को किस रास्ते पर कॉर्नर करेंगे ये डिसाइड कर लें। सिंघानिया को लेके जो वैन निकलेगी उसके साथ पायलट जीप तो होगी। You are absolutely right. अब हमें पुलिस वैन को कहां कॉर्नर करना है वो देख लेते हैं। यहां एक सर्कल है, आधा किलोमीटर आगे एक राइट टर्न आता है, इसके आगे रास्ता जाकर बॉटल नेक हो जाता है। इस तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए हम एक डायवर्जन लगा देंगे ताकि इस तरफ का ट्रैफिक यहां आने के बदले इस तरफ चला जाए। दैट शुड गिव अस इनफ टाइम टू ऑपरेट। लेकिन आने वाले ट्रैफिक में से किसी को यह पता चले ये गलत डायवर्जन साइन है, इसके पहले यह काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा, मगर सर्कल के बाद इमीडिएटली एक पेट्रोल पंप है। हाँ, और कुछ ही दूरी पर एक चाय का ढाबा है। मगर वो लोग पेट्रोल पंप पे रुक गए तो हमारे टाइमिंग में नो, कोई भी वैन वहां नहीं रुकेगी। एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल हर एक वैन में पेट्रोल का कोटा फुल रहता है। स्टॉपिंग नेगेटिव। अब काउंट डाउन शुरू करो। जैसे सिंघानिया पुलिस स्टेशन से बाहर आए हमें इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी। अब हम पेट्रोल पंप और इस चाय के ढाबे के बीच यहां अटैक करेंगे। चौधरी, क्या लाए? ये अमित सिंघानिया के ट्रांसफर ऑर्डर्स। ट्रांसफर ऑर्डर आ ही गया आखिर में है? यस सर। सर आपको यहां पर सिग्नेचर करना है। यादव जा क्यों नहीं डाला? आखिर तिहार जेल पहुंच गए सिंघानिया साहब। आओ सिंघानिया साहब आओ। अरे तुम्हारे बाराती तुम्हें ले जाने। क्या बात है इंस्पेक्टर,
आज तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से लगते हैं। आज तक तुम मुझे अमीर संघानिया कहकर बुलाते थे, आज ये अमीर संघानिया साहब कैसे बन गया? सिंघानिया, अपन बोला था ना तुझे, यहाँ लोग हमारी मर्जी से आते हैं और हमारी मर्जी से जाते हैं, समझे? ठीक है ना? क्या ठीक है क्या गलत है ये तो वक्त ही बताएगा। चल लगे इसे, चल। ढाबे पर रुकना, चाय पीनी है। सिंघानिया, चाय पियोगे ना? इसको क्या चाय पिलानी, इसको तो जहर पिलाओ जहर, ये तो देश का गद्दार है। देखो सिंघानिया, इसकी बात का बुरा मत मानना, गुस्सा मुझे भी आता है तुम पर, लेकिन हम लोग अपनी इंसानियत नहीं भूलते। इंस्पेक्टर चौधरी, तुम्हारी ये चाय मेरी प्यास नहीं बुझा सकती। मेरी प्यास तो मैं बहुत जल्द जश्न मनाऊंगा। इस बात का फिक्र मत करो, इस बात का तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या हुआ ड्राइवर? दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। मैंने कहा दरवाजा खोलो। वायरलेस पे बताने की कोशिश की तो सबको बंद कर रख दूंगा। आई शुड ओपन द डोर। दोस्त कैसा है तू? ठीक हूँ। ठीक है ना? नहीं अमित, एलबीएस ने हाई कमांड को प्रॉमिस किया है कि देयर बी नो ब्लडशेड। अरे तू बच गया, यही काफी है दोस्त। नहीं, इसे मारे बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ओके। कहना चाहते हो? जीत हमारी हुई हाई कमान, आज हम जीते और पुलिस हारी। जीत तुम्हारी नहीं, जीत मेरी वफादारी की हुई है। इतने दिनों जेल के सलाखों के पीछे रहकर भी मैं आपका वफादार रहा, इसीलिए आपने मुझे छुड़वाया और अब ये वफादार आपके सामने खड़ा है।
सवाल अगर वफादारी का होता तो मैं कुत्ते पालता। मेरी उम्मीद तुम लोगों से कुछ और है। वफादारी के साथ साथ मुझे अकल और बहादुरी की भी जरूरत है। सर, आज की जीत के बाद पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप चैन की नींद सो जाइए हाईकमान। राणा, कौटिल्य ने कहा था जितना बड़ा साम्राज्य उतने ही सम्राट की नींद कम होती है। अब हमें अपने फन फैलाने हैं बाहर के देशों में भी। आपने बिल्कुल ठीक कहा हाईकमान। सिंघानिया, देखो तुम आखिरी बार मुझे हाईकमान कह रहे हो। दुनिया की नजरों में राणा ही हाईकमांड है और मरते दम तक राणा ही रहेगा। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच सर। दैट्स ऑल राइट। मगर राणा, ये राज तुम कभी नहीं खोलोगे, ओके? यस सर, आपका हुक्म। सिंघानिया। यस सर। तुम मेरे और जाकी के साथ ये देश छोड़ के जा रहे हो। फिर मैं सर यहाँ अकेला? हाउ डू आई ऑपरेट? देखो, मैंने पहले भी कहा है, मुझे वफादारी के साथ साथ अकल और बहादुरी की भी जरूरत है। देखो आगे क्या होता है। सो दे वर फुल्ली प्रिपेयर्ड। चौधरी का स्टेटमेंट बताता है कि इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक हो चुके थे। यू आर परफेक्टली राइट सर। बस अश्विनी, बस अब बहुत हो चुका। कल तक बात गले तक थी, मगर आज उन्होंने हमारी नाक दबा कर हमें चीखने पर मजबूर कर दिया। मजबूर? आप ठीक कह रहे हैं सर, और मैं भी इस मजबूरी में जीना नहीं चाहता। आई एम रिजाइनिंग सर। व्हाट? यस सर, ये रहा मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? लेकिन क्यों अश्विनी? नहीं, गलती मेरे डिपार्टमेंट की है, मेरी है। जो काम मैं नहीं कर सकता वो किसी और को देना चाहिए। लेकिन अश्विनी। नहीं बनी, अमित सिंघानिया फरार हुआ है इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि ये केस उलझता जा रहा है। इस केस की शुरुआत हुई बाबू चिना से, उसे हटाना मेरे बस में था, लेकिन अब ये सब मेरे बस में नहीं। बस इतनी जल्दी हार मान ली तो फिर? नहीं बनी, मैं हारा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे हादसे सहन शक्ति से पर है। रोज सुबह उठता हूं तो वही सवाल मेरे सामने आता है, कौन हो सकता है अरुण का हत्यारा? ये जाकी कहां है? कौन है ये हाई कमांड? और इस पुर्जे का इस केस के साथ क्या संबंध है? और अचानक एलबीएस के लीडर्स अमित सिंघानिया को बचाने के लिए इकट्ठे कैसे हो गए? व्हाट इज द कनेक्शन? इट्स टू मच विनी, इट्स जस्ट टू मच। आई कांट टेक इट। यू कैन नॉट टेक इट अश्विनी? देन व्हाट अबाउट मी? अश्विनी, तुम कह रहे हो कि तुम ढूंढ नहीं पा रहे, मगर मैं तो सब कुछ खो चुकी हूं। सब कुछ, जाकी, अरुण, जय, उस दर्द का क्या? वो दर्द मैं नहीं सह सकती, मगर जी रही हूं, निभा रही हूं अपना फर्ज। तूफानों के सामने लड़ना और अपना फर्ज निभाना मैंने तुमसे और जैसे ही सीखा अश्विनी। अश्विनी, फर्ज निभाना हमारा पहला धर्म है। सर, अधर्म के सामने धर्म मजबूर हो गया है। मजबूर हुआ है, मगर वो कमजोर नहीं है अश्विनी। ये वर्दी हमें कभी भी कमजोर नहीं बनाएगी। इसी वर्दी से हमने अधर्म से लड़ने की ताकत पाई है अश्विनी। और आज इस वर्दी को उतार कर तुम अपने मकाम तक पहुंच पाओगे? नहीं अश्विनी, मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन मंजूर नहीं है। लेकिन सर, आई विल नॉट अलाउ यू टू रिजाइन। ये सारे प्रश्न तुम्हें सॉल्व करने हैं और तुम अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। टेक इट बैक। ओके सर, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलो। आई विल बी टाइम बाउंड। अगर एक महीने के अंदर अंदर मैं इस केस के जड़ तक नहीं पहुंचा, आपको मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है।